खूबी के साथ बदलते भारत की शान। बिरिना बेटी। हाँ पिताजी। कल तुम्हारे भैया वरुण घर आ रहे हैं साथ में नई बहू को लेकर शहरी और इतने शिक्षित अमीर घर के परिवार की लड़की को हमारे घर बहू बनाकर ला तो रहा है, पर रखेगा कैसे? घर भी ठीक नहीं है, बिजली भी नहीं है, रात अंधेरे होने पर लालटेन के उजाले में रहना पड़ेगा। पिताजी, भाभी ने भैया को पसंद करके शादी की है और आप देखिएगा, भाभी बहुत जल्द हम लोगों से घुल मिल जाएगी। और हमारे भैया वो भी बहुत समझदार है, वो ऐसी वैसी लड़की को गले नहीं बांधेगी। वैसे वो दोनों यहाँ रहेंगे कितने दिन? भैया का छुट्टी खत्म, फिर वो दोनों वापस शहर। फिर भी बहू जितने दिन यहाँ रहेगी उसे बहुत तकलीफ होगी। ओफो पिताजी, पहले आने तो दीजिए, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। चलो मांझी। आओ आओ मांझी, ये मेरा पिताजी है। ठीक है, मैं कर लूंगा, तुम अभी जाओ। हाँ हाँ होगा होगा होगा, जीते रहो सुखी रहो। मुझे पता था मेरी बहू ऐसी ही होगी। संस्कारी। जाओ जाओ वरुण, बहू को अंदर ले जाओ। ठीक है। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, जाओ। ठीक है चलो। वरुण प्यास लगी है, एक ग्लास ठंडा पानी लाओ ना फ्रिज से। वरुण, इस रूम में पंखा नहीं है क्या? डार्लिंग, हमारे यहाँ पंखा नहीं है, बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रिसिटी, और इसलिए मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं पिला पाऊंगा। क्या यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? यस, नो पावर सप्लाई। रुको, मैं बिरिना को बुला देता हूँ, वो तुम्हारे लिए पानी लेके आएगी। बिरिना, बिरिना, वो घर पर नहीं है, गांव घूमने गई है, कुछ काम है क्या? ठीक है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। वरुण ने मुझे ये बात बताया नहीं कि गांव में बिजली नहीं है। आज के समय पर बिजली ना होना बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन इस बार ना मुझे ये कंपटीशन जीतना ही होगा, और बिहू रानी खिताब ना इस बार मैं लेकर ही रहूं। जरूर मैं हूँ ना, मेरी ढोल की धुन पे तुम्हारे नसने का मुद्रा ही अलग हो जाता है कि नहीं पवित्र? हाँ, और मेरे मेरे पेपा के धुन पर तुम्हारा घुमल नृत्य मयूरी के डांस का नहीं लगता? ऐसा नृत्य करोगी तो तुम्हें बिहारी बनने से कौन रोक सकता है? सही कहा ना?
क्यों सुजुकी, तुम्हें भी हमारे साथ जाने का मन है क्या? नहीं। अरे तुम लोग सारे आज यहाँ पे इकट्ठे? अरे कोई मीटिंग चल रहा है क्या? जी पिताजी। अच्छा सुजुकी रखो ये। वो नयनपुर में बिहुरानी कंपटीशन होने वाले हैं ना पिताजी, उसी विषय में कुछ बात कर रहे थे हम। हाँ बढ़िया बढ़िया, तुम लोग बातें करो, मैं अंदर जा रहा हूँ भाई। जी सर। अच्छा ठीक है, सुनो ना, कल हम ना कुही। अरे कुही बिटिया, तुम भी हिस्सा ले रही हो क्या? नहीं चाचा जी, मैं भाग नहीं लूंगी, उस दिन इटी दीदी के साथ देखने जाऊंगी। तुम क्यों भाग नहीं लोगी? अरे तुम्हें तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए। चाचा जी मतलब मैं। पिताजी अगर कुही कंपटीशन में भाग लेंगे तो मुझे बिहुरानी की खिताब कौन देगा? ओ अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं अंदर चलता हूँ। जी पिताजी। मेरे लिए एक गर्म चाय लेके आओ। ये भी ना। अच्छा सुनो, कल हम ना फाइनल रिहर्सल करेंगे, ठीक है? अच्छा पवित्र तुम एक काम करो, सबको बता देना लोकेशन और टाइमिंग, ठीक है? ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इसको देखो ना। उफ, क्या गर्मी है। आपका आलू गिर गया भैया, वो आपका आलू गिर गया। अरे मांची तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। क्या हो सुजुकी, आलू गिर गया क्या? उठा लो। हाँ। ओह तो इसका नाम सुजुकी है, इसका घर कहाँ है बरुण? ये एबी के घर में रहता है, बहुत साल हो गया, उनके घर में ही काम करता है। कौन एबी? एबी मतलब अबोनी बोड़ुआ, हमारे गाँव के सबसे अमीर आदमी, बहुत ऊंचे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, हमारे गांव में वो जो कहता है वही होता है। तब उन्हें कहकर गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की? बहुत बार कोशिश की, मैंने खुद जाके भी कहा, लेकिन वो हमारे इन बातों को महत्व ही नहीं देता है। लेकिन क्यों? ये सब बहुत बातें हैं। क्या बहुत बातें? उनकी गाँव में एक बहुत बड़ी केरोसिन और पेट्रोल की दुकान है, अब गांव में अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाते हैं तो उनके दुकान से केरोसिन कौन खरीदेगा? पर उनके घर में 2-3 डीजी जनरेटर और होंडा है, इसलिए उन्हें बिजली की अभाव में नहीं रहना पड़ता है, और यहां तक कि गांव में पावर सप्लाई भी उन्हीं के कारण से अभी तक नहीं आई है। लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सैंक्शन हुई चीज कोई अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कैसे रोक कर रख सकता है? छोड़ो इन सब बातों को अभी, चलो घर चलते हैं। मरुन आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बुखार उखार जैसा लग रहा है। क्या देखे? हाँ गर्म है, चलो चलो अंदर चल के आराम करो, बुखार जैसे लक्षण लग रहा है, चलो। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। तुम सब आगे? हाँ आगे। मैं तो कब से रेडी हूँ। बेस्ट, बहुत सुंदर लग रहे हो। यस, बिहुरानी होने के लिए एकदम फिट है ना कुही? हाँ एकदम सही कहा, लेकिन बिहुरानी होने के लिए सिर्फ यही नहीं, इसमें भी पक्का होना पड़ेगा। डोंट वरी, इसमें तो तुम माहिर हो। चलो 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 चलो, देर हो जाएगी। अरे तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? जी सासा जी। पर जाओगे कैसे? सासा जी हम लोग साइकिल से जाएंगे। साइकिल से क्यों? तुम लोग मेरी गाड़ी लेके जाना। लेकिन पिताजी और भी तो लोग हैं, सब गाड़ी में कैसे जाएंगे? एडजस्ट करके जाना, आखिर तुम किसकी बेटी हो, ये सब तुम्हें मेंटेन करना चाहिए। ठीक है चाचा जी, गाड़ी में सब तो आएंगे नहीं, इसीलिए हे इटी बकुल और कुही तुम लोग गाड़ी में जाओ, हम साइकिल में आते हैं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है,
पिताजी हम सब साइकिल में ही जाएंगे। तुम भी ना बेटी। अच्छा बाबा, तुम्हारी जिसमें जाने की मर्जी हो तुम उसी में जाओ, ठीक है? थैंक यू पिताजी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय पिताजी। चलो 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 चलो। उफ, आराम से आराम से। वरुण, बहुत सर दर्द हो रहा है और कमजोरी भी महसूस हो रही है। ठीक हो जाओगी मानसी, मैं सिर में मालिश कर रहा हूँ ना। रुको, मैं सर में थोड़ा पत्ती दे देता हूँ। भाभी, आप इतना चिंता मत कीजिए, अब धीरे धीरे एकदम फिट हो जाओगे। वरुण। हाँ पिताजी। डॉक्टर को बुलाने से ही ठीक रहेगा क्या? हाँ पिताजी, डॉक्टर को बुलाने से ही ठीक रहेगा। नहीं चाहिए पिताजी, वरुण नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। ब्रीना, पंखी चलाते रहना हैं? और वरुण तुम सर पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना। मैं थोड़ा दुकान होकर आता हूँ, शाम के लिए केरोसिन लाना है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को बुला लेना, ठीक है? ठीक है पिताजी। वरुण, गर्मी के कारण ऐसा हो गया है, ऐसे माहौल में मैं कभी रही नहीं ना पहले। हाँ मानसी, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो ऐसा होता ही रहेगा, इसलिए। मैं समझ गई, मुझे यहाँ से गुवाहाटी चले जाना चाहिए, यही कहना चाहते हो ना तुम? यस, करेक्ट। बट इट्स नॉट राइट, मैं नहीं जाना चाहती। सोचो वरुण कुछ कि हमारे गांव में कैसे बिजली ला जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, इस बात को महत्व देना ही पड़ेगा। पवित्र, एक गाना गाओ। बहुत सुंगा दो, बहुत सुंगा दो। पहुंचने ही वाला है हम लोग। बहुत सुंगा दो। दीदी क्या हुआ? दीदी कैसे हो गई? बबलू भैया ठीक हो गए? उठो उठो उठो, संभाल कर। उठो दीदी, उठो। बहुत दर्द कर रहा है मुझे। दीदी नहीं, आप ठीक हो ना? यहाँ पे साइकिल में बबलू भैया। बबलू हट हट हट, मुझे तुम लोग भी ना। अच्छा यहाँ पे, सॉरी सॉरी, मुझे गड्ढा दिखाई नहीं दिया। एक काम करो, तुम मेरे साइकिल में बैठो। जरा तू नहीं है, मैं साइकिल लाता हूँ। सॉरी इतनी, मुझे दे दो इतनी। सॉरी, यहाँ पे लगा तुम्हें ज्यादा लगा? अरे साइकिल लाओ ना, तुम बैठो यहाँ पे। ओह हाँ, अब बैठो। जरा दूर नहीं है, चल चल के जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो आराम से। बकुल, सुजुकी बाहर का लाइट जलाना। जी मालिक। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं कुछ नहीं होगा। तुम लोग आ गए? हाँ पिताजी। उफ, पैर का दर्द। क्या हुआ, नाश्ते नाश्ते पाँव में दर्द हो गया? रिजल्ट क्या हुआ तुम लोगों का? अच्छा अच्छा जी, मतलब रिजल्ट। अरे रहन दो, तुम लोगों का शक्ल देखकर मुझे पता चल गया कि तुम लोगों का रिजल्ट क्या हुआ। उफ, ये दर्द। दरअसल पिताजी, मैं साइकिल से गिर गई थी। क्या? अरे तुम साइकिल से गिर गई? जी। अरे कहाँ पे गिरी, चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं सासा जी, मतलब गांव के रास्ते में मंदिर के पास बड़े गड्ढे में गिर गए। मंदिर के पास बड़ा गड्ढा? जी हाँ, अंधेरा था ना, दिखाई नहीं पाए। हाँ पिताजी, वही गिर गई थी। सुजुकी, मेरा बैग ले जाओ।
कुछ नहीं होगा, वहाँ अंधेरा था इसीलिए गिर गई। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, ठीक है? हाँ, और अंदर जाके तुम ये कपड़े बदल के मेरे कमरे में पेन किलर का ट्यूब रखा है, उसे अच्छी तरह से पाँव में लगा लेना, ठीक है? बहुत जल्द आराम मिलेगा। और हाँ, तुम लोग भी अभी घर जाओ, काफी रात हो गया, जाओ। ठीक है। हाँ सर, ठीक है दीदी, हम चलते हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, और बकुल तुम्हें अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, चलता हूँ। अच्छे से जाना। देखा, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें गाड़ी में जाने के लिए कह रहा था, और हाँ। तुम हो कि मेरी बात तो सुनोगी नहीं। हाँ, अरे अगर पाँव में फ्रैक्चर हो जाता तो क्या होता? एक महीने के लिए तो तुम छुट्टी पे आई हो, अरे आराम से रहना चाहिए, घूमना चाहिए, ये है कि नहीं? बस तुम अपनी मर्जी चलाते हो। अब चलो। बहू, अब तबीयत कैसी है? सब ठीक ठाक है ना? जी पिताजी, अब मैं बिल्कुल फिट हो गई। गर्मी के कारण तुम्हें ऐसा हुआ था। क्या करूं, गांव के पावर सप्लाई की कोई सुविधा ही नहीं है। पिताजी, गांव में बिजली लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी ही होगी। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर गांव में 24 आवर्स बिजली सप्लाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक बिजली नहीं है। ऐसा क्यों पिताजी? बहू, क्या कहूँ, सुना है कि हमारे गांव में भी पावर सप्लाई की सुविधा दी गई है, लेकिन अब तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे एबी का हाथ है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एबी, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, केरोसिन और पेट्रोल दुकान का मालिक। एबी मतलब अबोनी बोरुआ। हाँ बहू, गांव में सिर्फ उन्हीं के घर उजाला है, मतलब डीजी जनरेटर और होंडा के कारण उसका घर हर रात उजाला ही उजाला रहता है। अगर गांव में बिजली आ गई तो गांव के हर घर उजाला ही उजाला होगा। फिर उनसे केरोसिन कौन खरीदेगा? अरे केरोसिन बेच बेच कर ही उसके पास आज पहाड़ जैसी संपत्ति है। यहाँ तक कि पैसा देकर उन्होंने पंचायत प्रेसिडेंट, एमएलए और बीडीओ का मुंह बंद करके रखा है। लेकिन पिताजी, ये तो सही नहीं है। बीडीओ, एमएलए और पंचायत के अध्यक्ष पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं क्या? क्या उन लोगों को अपनी कुर्सी के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है? पिताजी, हमें एक दिन एबी से मिलकर ये सब बातें उन्हें समझाना होगा, और अगर जरूरत पड़े तो एमएलए, बीडीओ और पंचायत के अध्यक्ष से हम खुद जाके बात करेंगे। जी पिताजी, जरूरत पड़ने पर मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। बहू देखना, तुम्हारे हमारे साथ जाने से एबी तुम्हें गलत ना समझ ले, क्योंकि तुम इस गांव की नई बहू हो। पिताजी, मैं लीगल और राइट बात ही कहूंगी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इतनी अच्छी घर है पर बिजली नहीं है पिताजी। ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो ही करो, मगर सोच समझ कर करना है। इति, बीरीना, हाँ? सुना है परसों बिहू फंक्शन से आते वक्त तुम गिर गई थी? नहीं, वो रास्ते में गड्ढे था ना, ऊपर से अंधेरा भी था, इसलिए गिर गई। अभी भी थोड़ा दर्द है।
गांव में बिजली नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। परसों तुम गिरी हो, आज कोई और गिरेगा, और अंधेरा का फायदा उठाकर चोरी, डकैती, ये सब भी हो सकता है। हाँ बीना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है क्या? सलूशन तो है। कैसा सलूशन? तुम्हारे पिताजी। मेरे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिताजी अगर चाहे तो गांव में बिजली ला सकते हैं। लेकिन मेरे पिताजी बिजली कैसे ला सकते हैं? मैं कुछ समझी नहीं हुई ना। तुम नहीं समझोगे इतनी, क्योंकि बचपन से तुम बाहर रही हो, छुट्टियों में कभी कभार आती हो। खाली तुम पिताजी को जाके कहना गांव में बिजली लाना चाहिए, देखना बिजली आ जाएगी। ठीक है, मैं पिताजी से कहूँगी। अच्छा, तुम कॉलेज से आ रही हो? हाँ, कॉलेज से। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। हाँ, फिर ठीक है, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। जरूर, मैं ध्यान रखूंगी। बाय। बाय। तुम्हारे पिताजी अगर चाहे तो गांव में बिजली ला सकते हैं। इतनी गर्मी, उफ। पिताजी, चाय नाश्ता लाया हूँ, आइए खा लीजिए। हाँ, वहाँ रखो। ठीक है पिताजी। बरुण। हाँ पिताजी। बहू को यहाँ इतनी गर्मी में क्यों लाया है? और बहू, इतनी तकलीफ करके तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पिताजी, खेत देखने आई थी। वाह, इतना सुंदर, इतना बड़ा खेत का मैदान। पिताजी, यहाँ कौन सी खेती करने की सोच रहे हैं? ये सब कर रहा हूँ, धान खेती करने के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, धान की खेती। ये नदी है ना? हाँ। कौन सी नदी? इसे कलोही नदी के नाम से जाना जाता है। चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, जाकर आओ। हाँ, कभी कभी वहाँ डॉल्फिन निकलती है, दिखाई दे भी सकती है, जाओ। इतना बड़ा नदी, वाह। अभी यहाँ डॉल्फिन देखने को मिलेगी क्या? देखते रहो, निकल भी सकता है। चलो ना, पेड़ के नीचे चलते हैं। वहाँ चलो, आओ। वरुण, इतना सुंदर परिवेश है ना। हाँ। अगर कोई दुखी इंसान भी यहाँ आएगा तो यहाँ आकर अपने सारे दुख भूलकर यहाँ की सौंदर्य में खो जाएगा। वरुण सुनो, कोयल की मधुर आवाज तुम्हें सुनाई दे रहा है। सुनो सा। अरे मांझी, देखे क्या हो? या कहाँ है देखे? जी, तेरी ये बिंदिया बिजली से कम नहीं है। अगर ऐसे ही अंधेरा रहेगा तो भविष्य में और बहुत अनहोनी घट सकता है। सदा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदा जी, आप हमें गांव में बिजली लाने की व्यवस्था जल्दी करनी होगी। सही। हाँ। सदा जी, लेकिन बिजली आएगी कैसे? वही तो। हाँ, रुको रुको रुको। और हाँ, मैंने एक बात सोची है। मैं स्वयं इस गाँव में धानों के मिल और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा। वाह। ताकि हमारे गांव के नौजवानों को शहर इतनी दूर ट्रेनिंग के लिए ना जाना पड़े।